इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान के निमित्त लक्ष्मण जी ने निषाद जी को समझाया, सुख दुख कर्म फल है, भगवान को कोई दुख नहीं। भगत भूमि भो सुर सुर भी सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनो जतन सुनत मिटहि जग। राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप हैं, कोई दुख नहीं होता। दुख जीव का स्वभाव है, इनका तो सब दिव्य है, विगत विकार जान अधिकारी, यहाँ क्या सुख दुख होगा हो हैं? सुख दुख नहीं होता प्रभु को। प्रसन्नतामया नगताभिषेकता तथा न मले वनवास दुख, आनंद ही आनंद, मंजुल मंगल मंगल मंगल। भगवान गंगा तट से पार जाना चाहते, जाना था गंगा पार प्रभु की बटकी आ गए। भगवान कहाँ गए? केवट के तट आए हैं। भगवान आ गए केवट नाव लेके। आप लोग थोड़ा हिलो, वहां से थोड़ा हिलो। केवट भैया नाव लेके खड़े हैं। कौन आए? भगवान आए। किसके? भगत के। ध्यान रखिएगा, देखिए प्रसंग। राजा साहब रो रहे थे और केवट जी भगवान को पाकर गदगद हो गए। गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। राजा साहब रो रहे थे क्यों? कहे कई नंदन मंद मत कठिन कुटिल बन के, जेहि रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दे। और केवट क्या कहते हैं? मांगी ना बन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में चरण कमल रज कहूँ सब छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन ते नई काठ कठिनाई तरन मुनि घरनी होई जाई पाक परई मुरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालम सब परिवारो नहीं जानो और साध जी प्रश्न करते रहे। केवट जी भगवान को देखते ही बोले, आपकी चरण की रज में कुछ जड़ी है। पत्थर को नारी बना दी, मैं बिना पांव धोए रज उतारे नाव नहीं चढ़ाऊंगा। राजा साहब को पता नहीं चला, राजा के सेवक को पता चल गया। यह सत्कर्मों का फल है। हम कथा सुना रहे हैं, हमारे पर भगवान की कृपा हो अथवा न हो, आप सुन रहे हो, आपकी श्रद्धा यदि हमारी राम कथा में हमसे अधिक दृढ़ हो गई तो हमको भगवान मिले न मिले आपको मिल जाएंगे। अब करके देखो, हमारी जितनी श्रद्धा है हम उतने भगवान के निकट हैं, उतना मरम जान पाएंगे। तो हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम भगवान से दूर रहें। हम भगवान से दूर बने ही रहेंगे, कितना भी हम कहें, चिताएं, समझाएं। हाँ देखो, आप कह देना, सुन लेना, दोनों अलग विषय है और एक तीसरा है समझ जाना।
तीसरा है हम सुना रहे हैं आपको, हमको कितना समझ में आ रहा है उतना हम आपको सुना पाएंगे। निषाद जी कह रहे थे लेकिन केवट जी समझ गए क्या परमात्मा है। लक्ष्मण जी ने रात में कहा था भगत भूमि भो सुर सुर भी सुर हित लागि कृपा करत चरित धरि मनो सुनत भगवान भक्तों के लिए आते हैं। केवट जी भक्त है। केवट जी ने कहा प्रभु पांव में जो रज लगी है इसको हमको धो लेने दीजिए। भगवान बोले नहीं, भगवान ने क्या कहा कुछ नहीं कहा, कुछ बोल में नहीं बहे। केवट जी ने कवितावली रामायण में बाबा ने लिखा इतना कहा इतना कहा। देखो हमारे साथ चाहे जो हो जाए जीवन में कभी भगवान में दोष नहीं देखना चाहिए। सरकार अदोष है। केवट जी ने यही कहा राव रे दोषन पायन को पग धोरी को धोरी प्रभाव मान दोषन पायन को पग धोरी को धोरी प्रभाव मान टेबल बाहन काठ को कोमल है जल खाई पाहन टेबल बाहन काठ को कोमल है पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई हो आय सुहोत कहा है पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई हो आय सुहोत कहा तुलसी सुन केवट के पर बन से प्रभु जानकी हो तुलसी सुन केवट के पर बन से सुन केवट के बर बन से प्रभु जानकी हो रहा। आप में दोष नहीं है, आपके पांव में जो रज है उसमें कुछ जड़ी है, उसको धो लूंगा नाव चढ़ाऊंगा पार उतार दूंगा। आप आश्चर्य न करें केवट जी कुछ भी कहे हैं भगवान एकदम मौन हो गए। इतना कोई रहता है चुप रहे प्रभु बोल ही नहीं रहे राम जी। यहां तक केवट जी ने कहा प्रभु इसी नाव से परिवार पालता हूं यही नाव भरोसा है यही प्रतिपालों सब परिवारों। देखिए दो काम आदमी को जीवन में नहीं करना चाहिए, किसी की रोजी पर पैर नहीं रखना चाहिए और किसी को रोजी का त्याग नहीं करना चाहिए। दो बात, आपका कोई सेवक हो आप परमात्मा थोड़ी हैं, रोजी किसी की नहीं लेनी चाहिए और लगी रोजी का त्याग नहीं करना चाहिए। ये व्यवहार है वरना प्रकृति हिसाब करती है साहब। देखिए इसी न्याय का आश्रय करते हुए परमात्मा केवट जी से कुछ नहीं करते। यहां तक केवट जी ने कहा जो प्रभु पार अवसेगा चहु मोहि पद पखारन प्रभु यदि आप पार अवश्य जाना चाहते हैं तो मुझे पांव पखारने की आज्ञा हो।
सरकार फिर भी नहीं बोले। तब केवट जी को लगा, लगता है इनके पास कुछ देने लायक है नहीं। उस बेचारे के घर में खुदे कुछ नहीं है, जो जहां रहता है वहीं की बात कहता है। सदाचारी सदाचार बोलता है, दुराचारी दुराचार बोलता है। सज्जन को सज्जन मिलते हैं, दुर्जन को जैसे को तैसे मिले, मिले सुंभ को सुंभ। केवट जी ने कहा, प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननार उतराई जाओ मुहि राम रावण यान दशरथ सपत सब चार बात। पद कमल धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार भी उतारूंगा, उतराई नहीं लूंगा। ये नहीं लूंगा कहना सरल नहीं है। नहीं लूंगा, ये जब कथा मैं सुनाता हूं तो प्रसंग मारता है धड़ाक से। हाँ, नहीं लूंगा। अब मैं बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं करता हूं, आप सब जानते हो। दक्षिणा पहले दो फिर बुलाओ, दक्षिणा नहीं तो जय जय सीताराम, अयोध्या में आओ। 17 के बाद बंद कर दूंगा, एकदम बंद कर दूंगा, लेना देना केवल देने का काम, लेना बंद। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।